वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दूसरी इनिंग का आगाज अबू धाबी स्मैशर ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन का हदफ दिया है, 206 रन का हदफ दिया है ईएससी स्टार्स को। ओपनिंग बैट्समैन आए हैं अनिल एंड उनका साथ देने आए हैं रियाज। अबू धाबी स्मैशर अनिल बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, उनका साथ देंगे रियाज। दोनों ओपनिंग बैट्समैन अच्छे बॉलिंग के लिए हैं अतीक। अनिल प्लाकर एंड साथ देंगे नियाज जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और अनिल अच्छे फील्डर और बैट्समैन हैं। सामना करेंगे अतीक का, 206 रन का हदफ है जो 120 बॉल में पूरा करना है ईएससी स्टार्स ने। पहली बॉल करेंगे, अच्छी बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में, अच्छी शुरुआत ईएससी अबू धाबी स्मैशर की जानिब से। चार रन के लिए खेल दिया है, कोई चांस नहीं फील्डर के पास। अनिल ऑफ स्टंप की बॉल को उन्होंने खेला है, अच्छी शुरुआत दोनों टीम की जानिब से। अनिल प्लाकर 6 रन कर चुके हैं 3 बॉल पे। सामना करेंगे उनका अतीक का, अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे अतीक। अच्छी बॉल सिंगल बा आसानी हासिल करेंगे।
बार फिर से खेल दिया है, दो रन आसानी हासिल करेंगे बैट्समैन। अभी एक बॉल बाकी है इस ओवर में, अभी तक 9 रन ले चुके हैं। नियाज है स्ट्राइक पे मौजूद, जो कि सामना करेंगे अतीक का। अतीक एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस की ओर, एक अच्छी बॉल, अंपायर सिग्नल वाइड बॉल। पहली विकेट हासिल की है नियाज की, हिट करना चाहते थे लेकिन मिस हुए, बॉल सीधा ऑफ स्टंप को लग के थर्ड मैन की जानब। पहली कामयाबी ऐसी अब उधर भी स्मैशर ने समेटी है। नियाज जो के बहुत अच्छे हिटर थे, पवेलियन की तरफ वापस लौट गए हैं। बड़ी हिट करना चाहते थे लेकिन बॉल अंदर की तरफ गई और सीधा ऑफ स्टंप को लग के थर्ड मैन की जानिब। नियाज दो रन बना के पवेलियन की तरफ वापस। ईएससी स्टार्स अपनी पहली विकेट खो बैठे पहले ओवर में 10 रन के मजमूई 10 रन के स्कोर। नए आने वाले बैट्समैन इरफान फानी आए हैं, नए बॉलर सामना करेंगे उनका अनिल पलकड़। अरुण आए हैं नए बैट्समैन, 308 मैच खेल चुके हैं 241 इनिंग्स में। उन्होंने 6874 रन किए हैं। बेस्ट हाईएस्ट स्कोर है उनका और स्ट्राइक रेट 148.95 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 41 50s हैं इनकी और 8 सेंचुरीज की हुई हैं इन्होंने। अरुण अब सामना करेंगे इरफान फानी का, जो कि एक ऑलराउंडर अच्छे बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी। इन्होंने अभी इसी मैच में 50 प्लस रन किए हैं 20 समथिंग बॉल खेल के। अरुण सामना करेंगे इरफान फानी का, अच्छी बॉल की है, एक रन बआसानी हासिल करेंगे। फील्डर मौजूद हैं, कोई चांस नहीं। एक बार फिर से मिस फील्ड और एक एक्स्ट्रा रन हासिल किया है ईएसई स्टार्स के बैट्समैन ने। अरुण अच्छू सामना करेंगे इरफान और फानी। इरफान एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी बॉल। थोड़ी फील्डिंग में मिसिंग की है। फरमानुल्लाह है फील्डर, अच्छे फील्डर हैं। एक ही रन मिलेगा। अनिल पालकर सामना करेंगे इरफान फानी का।
एक फिर अच्छी बॉल और उसे खुद ही फील्ड किया है इरफान ने। अनिल पालाकाट एक अच्छे बैट्समैन है, जिस सिचुएशन में टीम हो उसी हिसाब पे खेलते हैं, हिटिंग की ज़रूरत हो तो हिटिंग करते हैं, नहीं तो स्लोर भी खेलते हैं। अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं और अच्छे बैट्समैन हैं ये, एक बार फिर से खेल दिया है। फील्डर पीछे हैं बॉल के और मेरे ख्याल से बआसानी ये दो रन हासिल करेंगे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर की जानिब से, यकीनी दो रन सेव किए अपनी टीम के लिए। इरफान अपने ओवर की लास्ट बॉल करेंगे और सामना करेंगे अनिल पालाकाट। अच्छे स्ट्रेट बैट से खेला है, थोड़े से मिसफील्ड हुई और हाथों से रन चुराया। दो ओवर के अहतमाम पर ही ऐसी स्टार 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। अनिल 11 रन कर चुके हैं अभी तक 8 बॉल पे, अरुण 3 रन पे हैं 2 बॉलें खेल के। अतीक अपना दूसरा ओवर कंटिन्यू करेंगे, पहले ओवर में एक विकेट हासिल किए रहने 10 रन पे, 199 का हाथ अभी बाकी है 108 बॉल पे। ईएस स्टार्स अनिल पालाकाट सामना करेंगे अतीक का, एक अच्छी फुल टॉस बॉल और खेल दिया है उसे सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए अनिल। यॉर्कर में बॉल करना चाहते थे लेकिन मिस हुए, बॉल थोड़ा ऊपर रही और उसे फुल टॉस बना के खेला है का। अनिल जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जैसे इनको हिटिंग की जरूरत होती है तो हिटिंग भी करते हैं और मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। अच्छा कम बैक अतीक की जानिब से, थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किया। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन बआसानी हासिल करेंगे। अरुण आए हैं सामने, अभी तक ओवर का स्कोर ले चुके हैं 7 रन लिए उन्होंने अभी तक 3 बॉल पे, 3 बॉल अभी बाकी हैं। 2-10 के मजमूई रन रेट से इनको जाना है इस मैच को जीतने के लिए, 9 पॉइंट समथिंग के जा रहे हैं। नीन 182 रन चाहिए इनको। अतीक एक बार फिर से सामना करेंगे अरुण, कट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए, बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में, कीपिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं चंदू शाहिद गिल और चंदू।
अच्छी शॉट किया। अनिल पालकर 12 बॉल पे 22 रन कर चुके हैं अभी तक, जिस इनिंग की जरूरत थी और वही उसी तरीके से खेल रहे हैं। अनिल सामना करेंगे अतीक का, अपने ओवर की लास्ट बॉल करेंगे अतीक, फिर से खेल दिया है, कोई चांस नहीं फील्डर के पास, 4 रन, अच्छी इनिंग। 3 ओवर के अख्ताम पर 34 रन ऐसी स्टार, 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन कर चुके हैं अभी तक 13 बॉलें खेल के। अनिल पालकर साथ उनका दे रहे हैं अरुण अच्छू, जो कि सिर्फ 3 बॉलें खेली हैं अभी तक, 3 रन किए उन्होंने। फिर से खेल दिया है, इम्पोर्टेंट विकेट फैसल कयूम। अनिल पालकर पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए एक इम्पोर्टेंट विकेट हासिल किया यहाँ पर फैसल कयूम ने, ऊंची शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए बॉल। अफजल अहमद हैं नए बैट्समैन, जो कि 260 मैचेस खेल चुके हैं, 208 इनिंग में उन्होंने 2853 रन बनाए हैं। हाईएस्ट रन उनके 79 हैं, 7 फिफ्टियाँ कर चुके हैं, सेंचुरी अभी तक नहीं की उन्होंने, 104 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। सामना करेंगे फैसल कयूम का, बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की है यहाँ पे फैसल कयूम ने, 171 रन दरकार हैं अभी भी,
100 बॉल पर। हाथों से सिंगल रन हासिल किया, थोड़ा सा मिस हुए बॉल को जज करने में नूर। अरुण आए, कीपर रेडी नहीं थे। फैसल कयूम अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे, सामना करेंगे अरुण। सीधा खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए बॉल, सीधा कीपर के ग्लव्स में। लॉन्ग ऑफ पे खेलना चाहते थे लेकिन बॉल को जज नहीं कर पाए, बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में। अपने ओवर की पांचवी बॉल करेंगे फैसल। मिस फील्ड हुई है, यहां पर चार रन मिलेंगे यकीनी। बॉल करेंगे फैसल, बासानी चार रन हासिल किए अरुण। दो सौ रन का हदफ हासिल करना है अभी। अभी चौथे ओवर का खेल जारी है, 16 ओवर अभी बाकी हैं और 8 विकेट हैं हाथ में एसी स्टार्स के। फैसल कयूम एक बार फिर से अच्छा कमबैक, अच्छी फील्डिंग लेकिन एक रन बासानी हासिल किया है चार ओवर के अहतमाम पर। एसी स्टार 41 रन कर चुकी है दो विकेट के नुकसान पर। अनिल पालकर 26 रन बनाकर पवेलियन की तरफ वापस लौट चुके हैं। हसान को लाया गया है बॉलिंग के लिए। सिंगल रन किया है यहाँ पर हसान नासिर। सामना करेंगे अफजल अहमद। एक रन हासिल करेंगे, अच्छी फील्डिंग। हसान एक बार फिर से डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। हसान नासर सामना करेंगे अरुण। एक बार फिर से खेल दिया लेकिन मिस रहे हैं बॉल, सीधा कीपर के ग्लव्स में। अच्छी फील्डिंग, सिंगल रन किया।
कदम निकाल के खेला है फील्डर के ऊपर से, फील्डर बॉल के पीछे, यकीनी चार रन होंगे। अफजल अहमद कदम निकाल, फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया और बॉल को पवेलियन का रास्ता दिखाया चार रन के लिए। एक बार फिर से खेल दिया लेग साइड पे, फील्डर बॉल के पीछे, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, सिर्फ दो रन कंप्लीट करेंगे। पाँच ओवर के अहतमाम पर ESC स्टार्स 51 रन दो विकेट के नुकसान पर। फैसल कयूम है अपना दूसरा ओवर करने के लिए। एक रन हासिल करेंगे। एक बार फिर से खेल दिया थर्ड मैन की जानब, फील्डर मौजूद और अच्छी रनिंग अरुण की जानब से, हाथों से रन चुराया और अच्छी फील्डिंग। फैसल कयूम अपने ओवर का चौथा बॉल करेंगे और सामना करेंगे अरुण। फील्डिंग हसान नासिर है फील्डर, अच्छी फील्डिंग, एक रन बआसानी हासिल करेंगे। हसान नासिर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन कंप्लीट करेंगे। छः ओवर के अहतमाम पर ESC स्टार्स 56 रन दो विकेट के नुकसान पर। एंड ऑफ सिक्स ओवर, ESC स्टार 56 रन टू विकेट लॉस। अफजल अहमद 10 रन ऑफ 7 बॉल, अरुण 14 रन ऑफ 13 बॉल।
Hassan Riaz continue second over. First over 10 runs. सामना कर रहे हैं अरुण जो कि 14 रन्स बना चुके हैं अभी तक 13 बॉल पे. एससी स्टार्स कंटिन्यू चेज द टारगेट 200 नीड 150 रन्स इन 84 बॉल. हसन रियाज मिस द फील्ड एंड रिजल्ट इज बाउंड्री 4 रन्स. हसन सामना करेंगे यार अगेन. हिट करना चाहते थे लेकिन मिस हुए बॉल सीधा ऑफ्रम में. अफजाल अपनी विकेट गवाकर पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए. न्यू बैट्समैन विष्णु राज 343 मैच खेल चुके हैं 259 इनिंग है इनकी. ₹6,184 हाईएस्ट रन है इनका 130. 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं. 28 फिफ्टियाँ कर चुके हैं अब तक और 4 सेंचुरी हैं इनकी इस टोटल में. इनका साथ देंगे अरुण. हसन रियाज अपने ओवर का चौथा बॉल करेंगे और सामना करेंगे विष्णु राज जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं. एक बार फिर से अच्छी बॉल और बोल्ड कर दिया है. पहली बॉल पे बोल्ड कोई चांस नहीं बैट्समैन के पास. अच्छा कम बैक ऐसी अबू धाबी स्मैशर हसन रियाज. एक इम्पोर्टेंट विकेट हासिल किया यहाँ पर हसन रियाज ने. इकसठ के मजमू स्कोर पे 4 विकेट लॉस कर चुके हैं यहाँ पर एससी स्टार्स. कोई चांस नहीं यहाँ पर. आज ही आए हैं नए बैट्समैन रॉनी हिटर बैट्समैन. हैट्रिक बॉल पे है यहाँ पर हसन रियाज.
हैट्रिक बॉल करेंगे यहाँ पर आसान रियाज, सामने करेंगे आरटी, नासिर रियाज फील्डिंग को सेट करते हुए आरटी 625 इनिंग 626 इनिंग खेल चुके हैं, 16,768 रन है, 140 हाईएस्ट रन है इनका। डाउन द लेग साइड और फील्डिंग्स, कीपर से मिस हुई बॉल, सीधा बाउंड्री की तरफ नासिर रियाज, अच्छी फील्डिंग, दो रन सेव किए अपनी टीम के लिए रोनी, क्योंकि 685 मैच 685 मैचेस खेल चुके हैं और 626 इनिंग्स में 16,768 रन हैं, हाईएस्ट 158 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और 150 कंप्लीट कर चुके हैं और 1500 हैं इनके। सामना करेंगे आसान रियाज का, तो काफ़ी लेग साइड से बाहर थी बॉल, नासिर रियाज साथ उनके हैं, जहीर मकसूद थर्ड मैन पे, हसान रियाज अपने ओवर की लास्ट बॉल पांचवी बॉल करेंगे, आरटी एक बार फिर डाउन द लेग साइड वाइड बॉल, अगेन बॉल, गुड बॉल, लास्ट बॉल करेंगे, हसान रियाज सामना करेंगे आरटी, एक और बॉल, अच्छी बॉल, सात ओवर के अख्ताम पर एससी स्टार 66 रन 4 विकेट लॉस, भारत आए नए बॉलर, ESC Stars versus ESC Abu Dhabi Smashers. Current run rate 9.43. Need 140 runs and 78 delivery. 10.77 required. One drop. On the leg side, white ball, अगेन एंड एक्स्ट्रा रन्स एड इन टोटल, बॉलर इज नॉट हैप्पी,
What a catch! Farman. Farmanullah. You know Farman. Arun Achu. Gone. 21 runs and 16 delivery. One more dangerous player back to pavilion. But he drops a lot from the player. What a catch! Every time the match gets close, we save his over for the end. Bharat, अपने पहले ओवर में विकेट लेने में कामयाब, अच्छा कैच किया है यहाँ पर. Farmanullah. Yeah, because it gets when you. लास्ट मूवमेंट में थोड़ा सा चेंज किया लेकिन राजीव आए नए बैट्समैन. एक बार फिर से मिस हुए, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे. ESC stars after 8 over, 71 runs, 5 wicket loss. Zahir Maqsood, new bowler. China man, you know? China man bowler. No, no, China man. He is a dangerous bowler. नहीं अभी तक उनके रूम में है. ज़हीर मकसूद आए नए बॉलर, सामना करेंगे राजीव. लेग स्पिनर बॉलर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर और कोच भी हैं. ये रामस राजीव ज़हीर मकसूद अपने ओवर की पहली बॉल करेंगे. एक बहुत ही मूव बॉल, बहुत ही डेंजरस बॉल. अभी भी किसी को नहीं खेलने दे. ये रामस राजीव ज़हीर मकसूद अपने ओवर की पहली बॉल करेंगे. एक बार फिर से सामना करेंगे राजीव. एक अच्छी बॉल और कट खेल दिया यहाँ पर. एक रन आसानी हासिल करेंगे राजीव. ज़हीर मकसूद सामना करेंगे आरटी, डेंजरस मैन. एक अच्छी बॉल, अभी गुगली मारेंगे. समझ ना पाए बॉल को आरटी, बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में, कोई चांस नहीं.
Zahir Maqsood to RT. More dangerous ball and good field for Darshna. कोई चांस नहीं. अच्छा कॉम्बिनेशन बॉल एंड बैट का. 73 रन कर चुके हैं. पार्ट 5 विकेट के नुकसान पे एससी स्टार्स. आरटी इज अ डेंजरस बैट्समैन. एक बार फिर से मिस हुए. बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में. कोई चांस नहीं. ज़हीर मकसूद सामना करेंगे आरटी रोने. बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर हैं ज़हीर मकसूद और एक्सपीरियंस बैट्समैन आरटी. कट खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है. यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा. अपने ओवर की लास्ट बॉल करेंगे. अभी तक 2 रन दिए हैं इस ओवर में. एक वाइड और 1 रन लिया है यहाँ पर राजीव ने. आरटी सामना करेंगे ज़हीर का. अपने ओवर की लास्ट बॉल और डाउन द लेग साइड. ओवर के अहतमाम पर 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर ईएससी स्टार्स. अभी भी 11 ओवर का खेल बाकी है. भरत आए हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए. पहले ओवर में उन्होंने 5 रन दिए और एक अच्छी विकेट जो के मैच विनिंग प्लेयर बोल सकते हैं अरुण अच्छू को आउट किया इन्होंने. बड़ी हिट खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑफ पे वो आउट हुए हैं. और अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पर फरमानुल्ला ने. लॉन्ग ऑफ से दौड़ के आए और कैच लिया. भरत सामना करेंगे राजीव. स्लोर वन डाल दिया है और फील्डर मौजूद है ज़हीर मकसूद. एक रन बआसानी हासिल करेंगे यहाँ पर राजीव. रोनी स्ट्राइक पर मौजूद. सामना करेंगे भरत का. अपने ओवर का दूसरा बॉल करेंगे. एक बार फिर से खेल दिया है और फील्डर हैं वहाँ पर फरमानुल्ला. एक रन पर आसानी हासिल करेंगे. भरत टू राजीव स्वीप शॉट खेल दिया है. फील्डर मौजूद है. सिर्फ एक रन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर. भरत सामना करेंगे रोनी. यहाँ पर खेल दिया है और फील्डर मौजूद नहीं थे तो 4 रन बआसानी हासिल करेंगे यहाँ पर रोनी. हमारे साथ डगआउट में मौजूद चाइना मैन अब्दुल रहमान और उनके साथ हैं पृथ्वी जो के अच्छे ऑलराउंडर हैं. एक बार फिर से सेम पोजीशन पे खेल दिया है. नासिर रियाज है फील्डर. अच्छी फील्डिंग. कोई रन नहीं यहाँ पर. भरत अपने ओवर की लास्ट बॉल करेंगे. अभी तक का अच्छा ओवर किया अभी तक उन्होंने. ज़हीर मकसूद फील्ड करेंगे. एक रन बआसानी हासिल करेंगे. एंड ऑफ 10 ओवर. ESC Stars 81 runs 5 wicket loss.
ज़हीर मकसूद आए हैं अपना दूसरा ओवर करने के लिए। पहले ओवर में उन्होंने दो रन दिए थे, इस बार सामना करेंगे यहाँ पर रोनी आर्टी। ग्यारहवें ओवर का खेल शुरू, एक अच्छी बॉल की है, मिस हुए हैं, लेग पे जाके खेलना चाहते थे लेकिन बॉल थोड़ा सा स्लो रही। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अभी तक ज़हीर की जानिब से, अभी तक सिर्फ दो रन दिए हैं यहाँ पर। एलबी की अपील लेकिन अंपायर स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। बहुत जोरदार अपील की है, एक बार फिर से ऊंचा खेल दिया है, देख रहा होगा ज़हीर मकसूद बॉल के पीछे हैं लेकिन अपने ओवर की लास्ट बॉल करेंगे ज़हीर मकसूद। दूसरे ओवर में अभी तक 5 रन दिए हैं उन्होंने, दो ओवर के अख्ताम और एक बॉल बाकी है, राजीव सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी बॉल सीधी कीपर के ग्लव्स में, कोई चांस नहीं बैट्समैन के पास। एंड ऑफ 11 ओवर, एएससी स्टार्स 84 रन 5 विकेट लॉस, नीड 122 रन एंड 54 डिलीवरी।
भरत अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे। भरत तीसरा ओवर कर रहे हैं, अभी तक 14 रन दिए उन्होंने, एक विकेट हासिल की है अरुण की। राजीव सामना करेंगे भरत का, अपने ओवर का तीसरा बॉल करेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। राजीव सामना करेंगे भरत का, अपने ओवर का तीसरा बॉल करेंगे, कमबैक भरत सामना करेंगे राजीव, कट शॉट खेला है, एक रन आसानी हासिल करेंगे। अपने ओवर का पांच चौथा बॉल करेंगे भारत, सामना करेंगे आरडी जो कि 18 बॉलें खेल चुके हैं, अभी तक 11 रन किए उन्होंने, 119 रन दिखा रहे हैं 51 बॉल पे। एक बार फिर से खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, एक रन आसानी हासिल करेंगे आरटी। एक बार फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बॉल ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। एक बार फिर से सामना करेंगे राजीव भारत, कोई रन नहीं, एंड ऑफ 12 ओवर। ESC Stars 94 runs 5 wicket loss. फैसल का यू है नए बॉलर, एक रन आसानी हासिल किया यहाँ पे आरटी ने, सामना करेंगे राजीव। राजीव पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए, बड़ी हिट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए, बॉल सीधा मिडल स्टंप में, एक और नुकसान ESC स्टार्स को।
शाहिद हैं नए बैट्समैन। फैसल कही हूँ अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे, सामना करेंगे आरटी। शानिद फैसल कही हूँ अपने तीसरे ओवर की चौथी बॉल करेंगे, अभी तक 14 रन देके 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। एक रन बासानी हासिल करेंगे स्ट्राइक धोनी। अभी भी 108 रन दरकार है 43 बॉल पे। एक रन बासानी हासिल किया है यहाँ पर, एंड ऑफ 13 ओवर एएससी स्टार्स 99 रन 6 विकेट लॉस। भरत आए हैं अपना चौथा ओवर करने के लिए, अभी तक 23 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट हासिल किए। लॉन्ग ऑफ पे खेल दिया है, अब आसानी 4 रन हासिल करेंगे यहाँ पे रोनी, कोई चांस नहीं फील्डर के पास। रोनी सामने करेंगे भरत का, 5 बोले बाकी हैं इनके ओवर की। एक बार फिर से खेल दिया नासिर रियाज, अच्छी फील्ड, कोई रन नहीं यहाँ पर। एक बार फिर से सामना करेंगे आउट दे दिए यहाँ पर, एक और विकेट। तेरह शारिया 3 ओवर का खेल हो चुका है अभी तक, 103 रन किए हैं इसी स्टार ने 7 विकेट के नुकसान पर।
रोनी सामना करेंगे भरत का। अशफर खान आए हैं नए बैट्समैन, सामना करेंगे भारत का अपने ओवर की सेकंड लास्ट बॉल करेंगे। एक रन आसानी हासिल करेंगे नासिर रियाज है फील्डर। रोनी एंड ऑफ 14 आवर ESC स्टार्स 105 रन्स विद 5-7 विकेट लॉस नीड 101 रन्स इन 36 बॉल। फैसल कयूम या फरमान उल्ला यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए, सामना करेंगे अशफर खान। फरमान उल्ला अपने ओवर का दूसरा बॉल करेंगे, सामना करेंगे अशफर खान। खेल दिया सीधा एक बार फिर से ऊंचा खेल दिया है बॉल हवा में, फील्डर मौजूद। एक रन मिलेगा यहाँ पर, अच्छी बॉलिंग करते हैं अभी तक, तीन बॉलों पे कोई बाउंड्री नहीं दी, मिस हुए बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में। एक और डॉट बॉल, दो बॉल बाकी हैं अभी। अशफर खान सामना करेंगे फरमान उल्ला का, एक बार फिर से सेम डिलीवरी। बोल्ड कर दिया है इस वक्त, थोड़ा पीछे हट के लाइट साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए बॉल सीधा विकेट में। ESC स्टार 107 रन 15 ओवर के अहतमाम पर 8 विकेट के नुकसान पे, 99 रन अभी भी दरकार है 30 बॉलों पे और 2 विकेटें हाथ में हैं। फैसल कयूम आए हैं बॉल करने के लिए। शनूफ है नए बैट्समैन, 324 इनिंग्स में 2938 रन इन्होंने किए हुए हैं। सामना करेंगे फैसल कयूम का।
फर्स्ट बॉल पे सिंगल हासिल किया है आरटी ने, सामना करेंगे शानू। एक और डाउन द लेग साइड वाइड बॉल, हिट करना चाहते थे लेकिन मिस हुए बॉल, सीधा कीपर के ग्लव्स में, कोई चांस नहीं बैट्समैन के पास। अच्छी बॉल, एक रन आसानी हासिल करेंगे यहाँ पर। आरटी स्ट्राइक पर मौजूद है, तीन बॉलें अभी बाकी हैं इस ओवर की, अपने चौथे ओवर का पांच चौथा बॉल करेंगे। एक रन हासिल किया है यहाँ पर, एक रन हासिल किया है यहाँ पर। फैसल कयूम अपने चौथे ओवर की लास्ट बॉल करेंगे, सामना करेंगे शनू। अच्छी बॉल, 16 ओवर के अहतमाम पर ये स्टार 111 रन 8 विकेट के नुकसान पर, 23 रन की रिक्वायर्ड रन रेट, 24 बॉल में 95 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए इस स्टार्स को। फरमान उल्लाह हैं नए बॉलर, पहले ओवर में 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए इन्होंने। आरटी सामना करेंगे, पीछे हट के खेल दिया है सीधा 4 रन के लिए। अच्छी हिट रोनी की जानिब से, आरटी सामना करेंगे पीछे हट के खेल, रोनी सामना करेंगे फरमानुल्ला का, अपने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, ऊंचा खेल दिया है और फील्डर की अच्छी एफर्ट, फैसल कयूम है फील्डर, बहुत अच्छी एफर्ट, अच्छा कैच। रोनी सामना करेंगे फरमानुल्ला का, अपने सामना करेंगे फरमानुल्ला का, अपने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, अब आए हैं न्यू बैट्समैन, लास्ट मैन आए हैं, सामना करेंगे फरमानुल्ला का, अपने ओवर की तीसरी बॉल करेंगे दूसरे ओवर की। एक अच्छी बॉल और
सीधा कीपर के हाथ में, अच्छी बॉल कर रहे हैं अभी तक फरमानुल्लाह। दो बॉलें बाकी हैं इनके ओवर की। एक अच्छी बॉल और लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की। फरमानुल्लाह सामना करेंगे अब। तीन बॉलें अभी तक खेल चुके हैं, कोई रन नहीं किया। लॉन्ग ऑन पे खेल दिया है, फील्डर मौजूद, एक रन बा आसानी हासिल करेंगे। हसान नासिर रियाज है फील्डर। सत्तर ओवर के अहतमाम पर ESC स्टार 116 रन 9 विकेट के नुकसान पे। ज़हीर मकसूद आए हैं अपना तीसरा ओवर करने के लिए। पहले दो ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए हैं। अच्छी बॉल ज़हीर मकसूद की जानिब से सीधा कीपर के ग्लव्स में। स्ट्रेट बैट से खेलना चाहते थे बॉल लेकिन मिस हुए। ज़हीर मकसूद अपना तीसरा ओवर कंटिन्यू करते हुए, अभी तक दो बॉल पे कोई रन नहीं दिया। अब सामना करेंगे ज़हीर मकसूद का। स्ट्रेट बैट से खेल दिया है, एक रन बा आसानी हासिल करेंगे। इरफान है फील्डर। शनूफ आए हैं स्ट्राइक पर। पांचवा बॉल करेंगे ज़हीर मकसूद। एक रन बा आसानी हासिल किया। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की। अब सामना करेंगे ज़हीर मकसूद का। ओवर के अहतमाम पर 118 रन 9 विकेट के नुकसान पर ESC स्टार। अतीक आए हैं अपना तीसरा ओवर करने के लिए। अतीक तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अपने। सामना करेंगे शनू। एक अच्छी बॉल लेकिन खुशकिस्मत रहे।
Very good shot. Akil. Atik. Sorry. दो रन्स बआसानी हासिल किए यहाँ पर अपने ओवर की एंड ऑफ 19 ओवर ESC स्टार 124 रन्स 9 विकेट लॉस फानी आए अपना दूसरा ओवर करने के लिए बात सामना करेंगे एक बार फिर अच्छी बॉल मिस हुए बॉल सीधा कीपर के ग्लव्स में कोई चांस नहीं बैट्समैन के पास इस इनिंग का लास्ट ओवर 5 बॉल रिमेनिंग है 82 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए इरफान और फारी एक और यॉर्कर लैंड डिलीवरी चार बॉले बाकी हैं अभी भी इस इनिंग की एक बार फिर अच्छी रनिंग एक्स्ट्रा रन हासिल किया नासिर हसन नासिर ने बआसानी कैच हासिल किया इनके अहतमाम पर ESC स्टार 127 पे ऑल आउट अबू धाबी स्मैशर विन दिस गेम Abu Dhabi Smasher win by 78 runs. Fani Khan, man of the match.